हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मैं हॉल लेके आई हूँ, अमेजन हॉल है अगेन। और ये हॉल बहुत ही रंगीन और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा होने वाला है। जैसे कि मैं आप तो तारीफ़ करते नहीं हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। वाह, चलिए तो फिर आज का हॉल स्टार्ट करते हैं। और सही में आज का हॉल आपको बहुत पसंद आने वाला है। सारा का सारा होम डेकोर है, क्योंकि मैं मेकओवर करने वाली हूँ और बहुत ही जल्द आपके साथ मेकओवर की वीडियो भी शेयर करूँगी। अगर आप चैनल पे आए हैं इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस चैनल पे आपको आपको कपड़ों से लेके घर की शॉपिंग, होम डेकोरेशन, व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आप बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे वीडियो में है जो आपको जरूर पसंद आएगा और शॉपिंग में आपकी जरूर हेल्प हो पाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि मेकओवर के लिए शॉपिंग है, तो सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग करी है वो कुशन कवर, सभी कुशन कवर्स की शॉपिंग है जो मैंने की है और आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है। और अभी अमेज़ॉन पे बहुत ही वैरायटीज़ है कुशन कवर्स की और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, इसीलिए मैंने इतने सारे इकट्ठे शॉपिंग कर ली है। और तो मैं आपको कहूँगी, अगर आप कुशन कवर लेने की सोच रहे थे तो ये राइट टाइम है, क्योंकि बहुत सारे कुशन कवर और बहुत प्यारे प्यारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के कुशन कवर अमेज़न पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जो शॉपिंग करी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये सेट ऑफ 5 कुशन कवर्स मैंने मंगाए हैं और ये देखिए फ्लैमिंगो कितने प्यारे कलर्स के हैं। तो सारे ही पैटर्न वाले हैं और जूट के ये हैं, तो जो इनका फैब्रिक है वो जूट है। और बैक साइड में आपको जिप क्लोजर मिल जाएगी, यहाँ पे जिप है और जूट के हैं ये, और वॉशेबल है, मशीन वॉशेबल भी हैं ये, तो आप इनको मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। और काफ़ी प्यारे मुझे ये कुशन कवर लगे, क्योंकि सारे कलरफुल और प्रिंट वाले हैं। तो ये देखिएगा पैटर्न है इनका सभी का, तो ये सेट ऑफ 5 है ये। और जो इन सभी का प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो आप प्राइस वगैरह देख सकते हैं और लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो ये देखिएगा फर्स्ट मेरी शॉपिंग थी ये कुछ 16x16 इंच के ये कुशन कवर हैं। तो जितने भी मैंने कुशन कवर की शॉपिंग करी है सारे 16x16 इंच के हैं और ये सारे प्रिंट हैं, पैक ऑफ 5 है ये भी। तो सबसे पहले ये देखिएगा कितना प्यारा प्रिंट है ये वाला, तो ये सारे बर्ड्स के प्रिंट के हैं। अगर आप अपनी बालकनी के लिए सोच रहे हैं तो आप इस तरीके से ये कुशन कवर ले सकते हैं। ये देखिएगा कितना प्यारा प्रिंट है ना, स्पैरोज बनी हुई है इन पे और डिजिटल प्रिंट के हैं ये सारे। बैक साइड में जिप है, 16x16 ही इनका साइज है। एंड नेक्स्ट है तो ये वाले जो कुशंस कवर हैं इनके, जो क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम था, ये आई थिंक 250 के अंडर ये मुझे मिल गए हैं पैक ऑफ 5। तो इनका जो ये बैक साइड का फैब्रिक है वो थोड़ा सा हल्का है, ये वाला फैब्रिक है जो, वो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि ये प्राइस में भी बहुत कम में मिले हैं। सो जिप क्लोजर है इसमें भी और ये भी जूट के हैं, मशीन वॉशेबल हैं। तो एक सेट था ये कुछ, तो ये भी प्रिंट के हैं, पैको 5 है और बहुत प्यारे हैं। और इनका जो फैब्रिक वगैरह है वो बहुत अच्छा है, बैक साइड से भी इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है। और इनकी जो जिप है वो आपको यहाँ साइड में मिलेगी और जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो जिस तरीके से इनका थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है तो इनकी क्वालिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो जो फर्स्ट इसका पैटर्न है वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये ऐसा है तो देखा कितने प्यारे प्यारे कलर्स के हैं ना, बहुत सुंदर ये लगने वाले हैं कुशन कवर। तो ये वाले बहुत पसंद आए मुझे, इनकी क्वालिटी वाइज ये सबसे अच्छे हैं ये वाले कुशन। तो इनका साइज़ भी 16x16 है एंड एरो हेवन इनकी जो ब्रांड है वो है, और आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और जो नेक्स्ट कुशन कवर हैं, और ये वेलवेट के हैं, ये वाले जो कुशन कवर हैं ये वेलवेट के हैं और ब्लू एंड पर्पल इनका कलर का है, कॉम्बिनेशन है। और ये भी 6, ये पैक ऑफ 6 है, ये देखिएगा वेलवेट के हैं ये, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर है, 16x16 है। और जो बैक साइड है वो भी काफ़ी
क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है फैब्रिक की, जो बैक साइड में है, और जिप क्लोजर है ये भी। तो फर्स्ट है ये, एंड ये देखिए कितना सुंदर है ना। सो ये पैक ऑफ सिक्स है और बहुत सुंदर है। इसी तरह से पैक ऑफ सिक्स में आपको बहुत सारे डिज़ाइन के बहुत सारे अमेज़न पे मिल जाएंगे। सो ये सभी कुशन कवर थे जो मैंने अपने लिविंग रूम के लिए मंगाए और मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बस एक थोड़ा सा बर्ड्स वाले की जो बैक साइड में है उनका फैब्रिक थोड़ा कम अच्छा है क्योंकि उनका प्राइस भी बहुत कम है। सो जो नेक्स्ट शॉपिंग है वो भी मैं आपको लिविंग रूम के मेकओवर के लिए मैंने की, और वो क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट है ये, और इसमें है एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कारपेट। यस, तो ये देखिएगा, ये डिजिटल प्रिंट का और कलरफुल कारपेट मैंने ऑर्डर किया है, और इसका साइज जो है वो 4x6 है, 4x6 फीट का ये है कारपेट है। ये देखिएगा, काफ़ी सुंदर कारपेट है ये, काफ़ी बड़ा है तो पूरी स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा है। तो ये देखिएगा बहुत प्यारा है ये, और एंटी स्किपेबल है ये, तो जो बैक साइड में इसकी इस तरीके से रबड़ लगा हुआ है तो ये स्किप नहीं होता है। एंड इधर ये आपको पॉलिस्टर का, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये, और इसका प्राइस भी ठीक है क्योंकि इस प्राइस में काफ़ी डिस्काउंट मिल गया। इसकी MRP तो 5000 कुछ थी, बट ये मुझे आई थिंक 1300, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा जो भी इसकी MRP है। और काफ़ी कलरफुल सुंदर सा कारपेट है, मुझे बहुत पसंद आया। कारपेट की शॉपिंग करी मैंने कुशन्स कवर के साथ, और कारपेट काफ़ी अच्छा है। एंड जो साइट पे, जो अमेज़न पे साइट पे इसका जो साइज़ है वो 4x5 लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट में ये 4x6 का फीट का है ये, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा है। तो आप इसको ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, बेडरूम, जहाँ भी चाहें आप इसको बिछा सकते हो। नेक्स्ट शॉपिंग है वो है फोटो फ्रेम्स हैं, और इनमें बहुत ही प्यारे क्वार्ट्स लिखे हुए हैं, तो काफ़ी कलरफुल और प्यारे फ़ोटो फ्रेम हैं ये। तो ये अभी मैंने ओपन भी नहीं करी है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। और इनका जो साइज़ है वो A4 साइज़ जो शीट आती है वो साइज़ है। तो ये जो क्वार्ट्स हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं, और सेट ऑफ फोर हैं ये, काफ़ी सुंदर लगे मुझे, काफ़ी कलरफुल है, तो आई थिंक मैं इस वॉल पे भी लगाऊंगी तो काफ़ी सुंदर लगेंगे ना। वो कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसमें भी इस तरह के बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी तरह के। तो ये सारा प्लास्टिक का है, और ये जो भी है इसका जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक है, ये वुड नहीं है, फ्रेम प्लास्टिक है, और ये ग्लास नहीं है, प्लास्टिक शीट ही है। तो काफ़ी लाइट वेट हैं, और अगर गिर भी जाते हैं तो टूटने का कोई डर नहीं है। और अंदर के जो कॉर्ड्स वगैरह हैं वो जब आपका मन इनसे भर जाए तो आप चेंज कर। जो नेक्स्ट शॉपिंग है वो ये देखिएगा, इतना बड़ा, काफ़ी हैवी है। तो ये वॉल शेल्फ की मैंने शॉपिंग करी है, और पहले भी मैंने वॉल शेल्फ पे एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, तो जिसमें जितने भी मैंने वॉल शेल्फ की शॉपिंग करी थी वो उस वीडियो में मिल जाएंगी। और ये मैंने एक और शेल्फ खरीदी है, तो काफ़ी सुंदर लगे ये मुझे। सनी मेरी हेल्प करेगा। तो ये इस तरीके से अच्छे से पैक वगैरह होके आती हैं, तो हमें इसमें डैमेज निकलने का कोई डर नहीं है। ये देखिए कैसे थर्माकोल वगैरह लगा के प्लास्टिक अच्छे से सिल्क सिक्योर करके ये सारी हमें मिली हैं। जो वॉल शेल्फ हैं ये काफ़ी सुंदर लगी मुझे, और ये देखिएगा, तो पैक ऑफ सिक्स हैं ये, तो थ्री जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं ये, और ये देखिए काफ़ी अंदर से भी ये सब लगा हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से पैक होके आई है ये। और ये जो इसका कलर है वो काफ़ी सुंदर है, एक्वा ब्लू कलर का है ये, एक्वा ब्लू कलर की हैं ये जो तीन हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं ये। आप इनको जहाँ चाहें, वहाँ लिविंग रूम में, बेडरूम में, या जहाँ भी आप चाहें वहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं, एंड जिस भी पैटर्न में चाहें उस पैटर्न में आप इनको लगा सकते हैं। तो ये जो तीन थी वो ब्लू कलर में हैं, और बाकी की जो तीन हैं ये वाइट कलर की हैं। तो ये देखिए बैक साइड में आपको यहाँ पे ये दोनों में पीछे हॉल बने हुए हैं कि आप नेल लगा के, और इनके साथ में जो इनका नेल वगैरह है वो सब भी साथ में आई है, और काफ़ी अच्छी है ये। तो ये देखिएगा इतना इनका डेप्थ है जो वो इतनी है, तो आप इनको किसी भी पैटर्न में, और ये काफ़ी कलर्स में भी आपको मिल जाएंगी, तो इनमें कलर्स भी अवेलेबल है, तो काफ़ी सुंदर लग रही हैं ये मुझे सेल्फ, काफ़ी सुंदर वॉल शेल्फ है ये।
और काफ़ी अच्छी जो इनकी क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जो नेक्स्ट शॉपिंग है वो भी होम डेकोर का ही एक आइटम है। और अगर आप ये देखिएगा कितने बड़े बॉक्स में आया है ये भी, हालांकि जब मैंने इसको देखा तो उसका कोई रिव्यू वगैरह नहीं था, फिर भी मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा चलो फिर एक बार हम शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कैसा लगेगा। तो प्लांटर्स का सेट है, सेट ऑफ थ्री है ये और बहुत सुंदर है। ये देखिएगा ये जो प्लांटर है ये कॉपर कलर का है, मेटल के हैं और कॉपर कलर के हैं, बहुत सुंदर हैं। और ये इस तरीके से बहुत सुंदर डेकोरेटिव पीस है, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। और ये भी सेट ऑफ थ्री है तो मुझे लग रहा था कि ये नीचे से भी यहाँ पे वायर लगी होगी इसके ये जो है, और हम इनको इस तरीके से इसके ऊपर भी रख सकेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसके अंदर रखना होगा। बट हाँ, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोई प्लेट रख सकते हैं और फिर कभी इसको इसके ऊपर भी रख सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। बट वो काफ़ी सुंदर है और इनकी जो काफ़ी स्टर्डी लग रहा है ये मुझे, तो अगर आप इसके ऊपर प्लेट लगा के और फिर इसको रखते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। और काफ़ी सुंदर कॉपर देखिए कलर में है, बहुत सुंदर है। जो प्राइस वगैरह है वो आपको दिख ही रहा होगा, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है, बहुत पसंद आया मुझे ये। नेक्स्ट जो शॉपिंग है वो आर्टिफिशियल प्लांट है ये, और मैं इसको खोल लेती हूँ, मैंने इसको खोला तक नहीं है अभी तक। ये एक एरिका पाम है, आर्टिफिशियल है, और ये देखिएगा इस पर 21 लीव्स लगी हुई हैं। वैसे तो आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे लिविंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, बट कभी कभी हमारे घर का कोई ऐसा कोना होता है जहाँ पे प्लांट ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और हमें वहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी चाहिए होती है। तो इस तरीके से अगर आपके घर के किसी कोने में आपको लगाना है तो ये आर्टिफिशियल प्लांट मैंने मंगाया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ना। और देखिए लगने के बाद थोड़ा अगर हम इसको लगाते हैं तो दूर से ऐसी ओरिजिनल वाली लुक ही आ रही है ना इसकी, काफ़ी ग्रीन है कलर में। और ये देखिएगा इस तरीके से इसकी लीव्स वगैरह हैं, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से खोल के अगर हम इसको लगाएंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। जो नेक्स्ट शॉपिंग है वो भी इसी तरह से कुछ प्लांट्स की है, ये देखिए आइकिया के ये प्लांट्स हैं और छोटे छोटे सेट ऑफ थ्री है ये, तो ये इस तरीके से ही आपके पास पहुँचता है, आइकिया वाले इस तरीके से ही पहुँचा रहे हैं। तो इनको आप टेबल पर किसी ट्रे वगैरह में डाल के भी रख सकते हैं और काफ़ी सुंदर लगे ये मुझे। तो आपको कैसे लगे, प्लास्टिक के हैं बट लग रहे ये लिविंग हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं अगर दूर से आप देखें तो, ये देखिएगा और बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत ही हल्के हैं ये, तो दिखने में काफ़ी सुंदर है। बट मुझे लग रहा था थोड़े बड़े होंगे बट ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। सो नेक्स्ट जो शॉपिंग है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ और वो मुझे बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई हैं और मिला है। और ये मेरा एक तरह से मैं बोलूँ तो बर्थडे गिफ्ट है, बट मैंने पहले ही ओपन कर लिया है क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है, बस अब 2-3 दिन बाद ही आने वाला है, और हो सकता है जब ये वीडियो आप देखें तो मेरा बर्थडे उसी दिन हो। ये देखिएगा ये एक एफएम रेडियो है और विंटेज लुक है इसका, ब्राउन कलर का है, कितना क्यूट सा है ये, और इसका ये एंटीना भी है। और एफएम सुनना मुझे बहुत पसंद है, सो आईबेल का ये एफएम है और बहुत ही छोटा सा हैंडी सा क्यूट सा है कि आप जहाँ जाए अपने साथ अपने रूम में ले जा सकते हैं, किचन में काम कर रहे हैं तो वहाँ रख लीजिए, बेडरूम में, बाथरूम में, जहाँ चाहे आप इसको रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या फंक्शन है इसमें, आईबेल का ये है एंड इसमें एफएम रेडियो है एंड आप इसमें यूएसबी पोर्ट भी है, ये डायनामिक स्पीकर्स हैं इसके एंड MP3 है और मेमोरी कार्ड भी इसमें डल जाता है और रिचार्जेबल भी है, तो इसमें बैटरीज वगैरह भी आप डाल सकते हैं यहाँ से। और ये इसके साथ इसकी वायर वगैरह भी है तो इलेक्ट्रिसिटी से भी आप इसको चला सकते हैं। और ये देखिएगा इसमें आप यहाँ पे ये एंटीना है इसका और यहाँ पे USB कार्ड वगैरह और ये सब डाल सकते हैं। और ये देखिएगा काफ़ी सुंदर लगा, मुझे बहुत पसंद आया हो, और ये मुझे हस्बैंड ने बर्थडे गिफ्ट किया है और मैंने पहले इसको ओपन कर लिया क्योंकि मैंने कहा जब मैं हॉल कर ही रही हूँ तो मैं इसका भी रिव्यू आपको दे दूँ, और इसकी जो वॉइस वगैरह है वो बहुत अच्छी है तो काफ़ी मुझे पसंद आया इसमें। ये देखिएगा मुझे बहुत पसंद आया सही में, अगर आपको भी FM सुनने का बहुत शौक है और वैसे भी इसमें पेन ड्राइव वगैरह सब चल जाती है
तो आप ये जरूर ले सकते हैं मेरी तरह। हालांकि ये मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे बहुत पसंद आया, क्यूट सम, आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आएगा मेरी तरह अगर आप इसको मंगवाते हैं, और अगर आपको गाने सुनने का शौक है तो। और इसके बाद ये एक बहुत प्यारी सी, मैं आपको एक आइटम और दिखाने वाली हूँ बहुत प्यारा सा, जो आप डेकोरेशन में तो यूज़ करें, ये भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेगा आपकी। ये देखिएगा, ये अलार्म क्लॉक है और कितनी क्यूटी सी है ये, जो पहले होती थी और ये ऐसे टिन 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 बजती है, बहुत प्यारी लगती है। और ये इसमें यहाँ पे ये देखिएगा, ये लाइट भी ऑन होती है कि आप अंधेरे में, यहाँ पे पीछे स्विच है लाइट ऑन करके और टाइम वगैरह देख सकते हैं। सो इसकी जो वॉइस है वो इसी तरह की काफ़ी अच्छी है, ये जैसे टिन 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 करके बोलती है। हालांकि ये मेरे बेटे ने शॉपिंग करी थी, उसको बहुत पसंद आई थी, उसको चाहिए थी ये। और इसका कॉपर कलर है, अगर आप इसको कहीं भी डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं तो ये बहुत प्यारी लगने वाली है। और इसको देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि तब भी हमारे घर में कुछ ऐसी होती थी बट वो कॉपर कलर नहीं था उसका। और ये बहुत क्यूटी सी है, प्यारी सी है, बहुत प्यारी है। तो ये था आज का लास्ट आइटम इस शॉपिंग हॉल का, बहुत बड़ा हॉल हो गया है ये। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, ये सारी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। और इसमें से कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी इस चैनल पे, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियोज़। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब क्यों करना बिल्कुल फ्री है यार, इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। जब आपने पूरी वीडियो देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर तो आप हर वीडियो को कीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।